वेलकम बैक न्यू वीडियो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं बनाने जा रही हूँ गाइज बड़ा पाव। बड़ा पाव बनाने के लिए गाइज मैंने आलूओं को बॉईल करने के बाद इसको छील लिए हैं, और छीलने के बाद मैंने ये धनपारी कटाई हुई ली है, धनिया इसको धो के ही काटी है, और ये हरी मिर्च इस तरीके से बारीक काटने के बाद अब मैंने आलूओं को जो लिया है तो आलूओं को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और बॉयल गाइज अच्छे से कीजिएगा, इसके बीच में कर्रे ना रहे हैं आलू। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हैं, तो अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और ये इसको मैंने छील भी लिया है। और फटाफट बनाएंगे बड़ा पाव, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। बड़ा पाव बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। सो गाइज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरीके से ये मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को गाइज इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, एक चुटकी हींग, जलजीरा पाउडर आधा टीस्पून, और जलजीरा अगर आपके पास आमचूर है तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा टीस्पून गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैश करने के लिए हाथों से अच्छे से मैश करने के बाद आप चाहें तो एक गिलास ले लें, या आलू मैश करने वाला हो तो उससे भी मैश कर सकते हैं। तो आलू को मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से आलू को फोड़ लेंगे। अच्छे से आलू फूट चुके हैं, फूटने के बाद इसको मिक्स भी कर लिया है। मिक्स करने के बाद इसकी गोलियां बना लेंगे बड़ा पाव की, जिस तरीके से बड़ा पाव बनाते हैं रेस्टोरेंट में मिलता है उसी तरीके से ही मैं बिल्कुल परफेक्ट बना रही हूँ। और ये जो रहा इस तरीके से गोली बना लेंगे, आप चाहें तो गोल शेप दे सकते हैं, या इस तरीके से मैंने थोड़े चपटे आकार में शेप दिया है बड़ा पाव का। तो इसी तरीके से सारी गोलियाँ बना लेंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि बड़ा पाव के लिए मैंने आलू की टिक्की बना ली है, इस तरीके से परफेक्ट टिक्की बनके तैयार हो गई है। आप चाहे जो भी शेप दे सकते हैं, इस तरीके से शेप मैंने दे दिया है थोड़े चपटे आकार में। सो गाइस बनाएंगे चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है हरा मिर्च, कच्चा आम जो उसको मैंने छील लिए हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, चाहे आप किस तरीके से शेप पे शेप करिएगा। और ये मैंने लिया है धनिया बारीक कटी हुई, इसको मैंने दो तीन पानी से धो लिए थे। अब धोने के बाद लेंगे मिक्सी का जार, मिक्सी का जार लिया है, और मिक्सी के जार में डालेंगे धनिया बारीक कटी हुई, कच्चा आम, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, लहसुन को छील लेंगे और इसकी दो तीन कली डाल देंगे लहसुन की। तो ये डाल दिया लहसुन, डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। ये रही गाइस चटनी, और चटनी बनके तैयार हो गई है। इस तरीके से आप चटनी बना सकते हैं। ये रही गाइस चटनी। सो गाइस चटनी की रेसिपी कैसी लगी आपको? चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट में। तो गाइस लाल चटनी बनाने के लिए लेंगे पिसा हुआ मिक्सी के जार में लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, बारीक कटा हुआ टमाटर, खाने वाला कलर गऊ चाप, पेरी पेरी मसाला, आधा टीस्पून, थोड़ा सा पानी, इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। सो गाइस पेरी पेरी मसाला डालकर मैंने चटनी इस तरीके से अच्छी बना ली है, और ये रही बड़ा पाव के लिए चटनी। आप चाहे तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, मैंने लहसुन थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं। अब लेंगे कटोरी और इसमें रख देंगे चटनी। सो गाइस ये दो तरीके की चटनी। तो गाइस बड़ा पाव
के साथ खाने के लिए मैंने चटनी परफेक्ट तैयार कर ली है। ये रही लाल वाली चटनी और ये हरी चटनी। इस तरीके से गैस आप चटनी बना सकते हैं। सो गैस चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं बड़ा पाव बनाने के लिए। बड़ा पाव बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी बेसन, डालेंगे एक चुटकी टर्मरिक पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी हींग, थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो इसका गाढ़ा बैटर ही तैयार करना है। हाँ तो इसे इस तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो भाई आप देख सकते हैं इस तरीके से घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये इस तरीके से आप इतना गाढ़ा रहेगा ये। तो इसमें ये देख सकते हैं कि हल्की हल्की सी बूंदी जैसी दिख रही है, इसको अच्छे से फेंट देंगे। थोड़ा हाथ से भी इस तरीके से कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस पेस्ट बनके तैयार हो गया है और मैंने इस तरीके से थोड़ा गाढ़ा ही बनाया है। गिरने के बाद धीरे धीरे इस तरीके से गिरता है। इस तरीके से डो तैयार हो गया। ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, और इतना जो आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा बैटर बना के तैयार करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितने मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो भाई 10 मिनट हो चुका है और इस तरीके से पेस्ट बन के तैयार हो गया है। गैस को ऑन करेंगे और उस पर रखेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और पेस्ट आप देख सकते हैं परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। मैंने लिए हरी मिर्च, हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च फ्राई करने के लिए बीच से इस तरीके से कट लगा देंगे। तो ऑयल को गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और जो मैंने आलू की टिक्की जो तैयार करके रखी थी जो आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो इसमें से पहले टिक्की एक ले लेंगे। गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इसमें डालेंगे बेसन में इस टिक्की को इस तरीके से लपेट लेंगे अच्छे से। और आप देख सकते हैं इस तरीके से गाढ़ा घोल है ताकि ये गिरे नहीं। अब इसमें डाल देंगे इसी तरीके से दूसरी भी टिक्की डाल देंगे और आलू को इस तरीके से टिक्की को नहला नहला कर और इसमें डाल देंगे एक एक करके। जितना अवेलेबल हो उतना ही डालना है। तो इस तरीके से तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि बड़ा पाव मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। बड़ा पाव के लिए पकौड़ी, तो इसको गाइस आप भल्ले भी बोल सकते हैं, बेसन के भल्ले। इस तरीके से गाइस बेसन के भल्ले भी बनते हैं, इसको चाहे तो आप भल्ले बोल सकते हैं या बड़ा बोल सकते हैं। तो ये बड़ा है पाव, दूसरा होता है पाव बंद के लिए कहते हैं। तो ये हैं हरी मिर्च, साइड में हरी मिर्च डाल देंगे। तो ये हरी मिर्च को निकाल लेंगे, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। उसको पलट देंगे। तो ये बड़ा यानी पल्ले एक तरफ सीख चुके हैं, दूसरी तरफ पलट देंगे और हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है। हरी मिर्च को निकाल लेंगे। इस तरीके से हरी मिर्च अच्छे से फ्राई कर ली है बड़ा पाव के साथ खाने के लिए और इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये रहेगा इस पाव, इसको पाव को पीस के मैंने काट लिए हैं और ये रहा बड़ा। तो इसको चाहे तो आप पल्ले भी बेसन के बोल सकते हैं, मैंने पहले भी अभी बताया था। तो ये पल्ले बन के तैयार हो गए हैं बड़ा। अब जो मैंने हरी मिर्च फ्राई करी थी तो इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, एक चुटकी, और इसके ऊपर डाल देंगे चाट मसाला
तो ये परफेक्ट बनके तैयार हो गई है। अब ये पाव भी बनके तैयार हो गए हैं, तो इसको सर्व कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और एक एक करके निकाल लेंगे इस तरीके से, तो बना सकते हैं परफेक्ट। तो ये रहा बेसन के भल्ले। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसन के भल्ले बनके तैयार हो गए हैं और इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब चलिए बनाते हैं फटाफट बड़ा पाव। बड़ा पाव बनाने के लिए मैंने लिया है बंद और ये है फ्राई हरी मिर्च और चटनी। तो गाइस इस तरीके से बड़ा पाव परफेक्ट तैयारी हो चुकी है। बड़ा पाव बनाने के लिए मैंने लिया है बंद, जो मैंने चाकू से अच्छे से कटिंग कर ली है। अब इसमें ली है ये टिक्की, तो इस टिक्की को भी इस चाकू से इस तरीके से अच्छे से काट लेंगे। काटने के बाद इस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे लाल चटनी, हरी चटनी और फिर इसके ऊपर रखेंगे ये वाली टिक्की। अब ये रख देंगे इसके ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़ा पाव इस तरीके से बनके तैयार हो गया है और ये मैंने लिया हरी मिर्च। तो इस तरीके से आप बड़ा पाव खाइएगा। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये रहा बड़ा पाव। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। कम्युनिटी ऑप्शन एक नया चैनल जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कम्युनिटी ऑप्शन में जो चैनल है उसमें भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और खाइएगा बड़ा पाव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।